हेलो नमस्ते पैरी पौना पाए लागू, मेरा नाम है रोहन कारियप्पा। रोहन कपारिया। रोहन कारियप्पा। रोहन कपारिया। रोहन कारियप्पा। एंड आज की वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड आई हैव अ मेजर गिव अवे अनाउंसमेंट। चैनल का पहला गिव अवे है, सो मेक श्योर यू ट्यून इन फॉर दैट। एंड ऑल्सो माय प्रॉब्लम इज दैट इफ यू हैव टू गो वॉच फुल थीसिस, फुल एनालिसिस, फुल ब्रेकडाउन्स ऑफ अ रैप सॉन्ग, why are you into rap? Why are you listening to rap? But if you didn't do a good job at your song in making sure ke jo aam aadmi radio pe chalta hua ja raha hai, gaadi chalata hua sun raha hai, usko maza nahi aa raha agar aapke gaane mein, to aapke gaane ka maqsad kya hai fir? Go watch Rohan Kariappa's analysis on this, breakdown on this. I have nothing against Rohan Kariappa or however he pronounces his name. Rohan Kapariya. Okay, आगे चलने से पहले मैं ये बता दूं कि फारूक भाई के साथ मेरा कोई भी पंगा नहीं है. This is a question that I get a lot, even from the people who love breakdowns and जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा है. वो ये सवाल मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं. And अगर आप उनके शूज में खुद को रखो तो हाँ, बात लॉजिकली तो उनकी सही है कि भाई जब गाने पब्लिक के लिए बनाने हैं तो ऐसे बनाओ जो पब्लिक को समझ आए. ऐसे क्यों बनाने जिसके लिए ब्रेकडाउन की जरूरत पड़ जाए, करेक्ट? Well, not really. So, फारूक ने अपनी वीडियो में तीन सवाल पूछे थे मेनली, तो चलिए तीनों सवालों को डाइसेक्ट करके इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में. What the witch are? भाई, if you didn't do a good job at your song in making sure कि जो आम आदमी रेडियो पर चलता हुआ जा रहा है, गाड़ी चलाता हुआ सुन रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा अगर आपके गाने में, तो आपके गाने का मकसद क्या है फिर? And I think if something doesn't click, you know, the first time or the second time, it's just not good for me. It's really that simple. चौथे पे बैठा मैं तो PUBG खेल लूं, मौका तो मिले मैं तो सब की ले लूं, तीन पति रैप में के ट्रेल लूं, आईपी के हिप हॉप में सांवला गे लूं. Makes complete sense. गाने तो entertainment के लिए होते हैं, तो क्यों Muhfaad, ब्रदरवी, कृष्णा, तलहंजुम जैसे rappers इतने complicated lyrics लिखते हैं? Now here's where we all go wrong. हम art और entertainment को same मान चुके हैं. Whereas there's a considerable amount of difference between art and entertainment. अगर बहुत ही ब्रीफली बताऊं तो आर्ट इज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. थ्रू आर्ट यू एक्चुअली शोकेस योर स्किल्स दैट यू पोजेस, जिसके लिए आपने बहुत सारी मेहनत करी है. एंड आर्ट इज समथिंग दैट स्टेज एंड इवॉल्व्स इन पीपल्स माइंड एज वी मैच्योर, वेयर एज एंटरटेनमेंट इज प्योरली फॉर एंजॉयमेंट. एक ऐसा कॉन्टेंट जो हमें अम्यूज करता है, हमें बहुत ज्यादा खुशी देता है, जिसपे हम थोड़ा नाच सकते हैं, जिसपे हम थोड़ा ग्रूव कर सकते हैं, इज वॉट एंटरटेनमेंट इज. अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड एंटरटेनमेंट कैन बी शोन बाय दिस वेन डायग्राम, वेयर वन सर्कल इज प्योर आर्ट, द अदर वन इज प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट. बट कुछ पीसेज ऑफ कॉन्टेंट ऐसे होते हैं जो आर्ट और एंटरटेनमेंट दोनों को ही इंकल्केट करके बनाए जाते हैं. आई गिव यू क्विक एग्जाम्पल्स इन ऑल दीज थ्री कैटेगरीज. कृष्णाज व्यंजन वॉज अ पीस ऑफ आर्ट. काले कटूस करते कमीने कमाने को, काले रंग के कारण तो गाल किया कितने किसानों को. Muhfaad's ऐलान बिलोंग्स टू द आर्ट कैटेगरी. दुनिया या उसे याद रखे, जो गुनी याद रखे, मरने के ही बात सबके गुणे याद रखे, सकता लौटे किसे बात की अकड़ा, तुझे फंसी बने दुनिया तो सुने याद रखे. Brothers shook one falls into the same category as well. Steve you black and blue like a smurf and his shadow, career's going home in a hearse from the gallows. Whereas Emiway's मचाएंगे belongs to the entertainment category. मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा. हिट मशीन किंग का जो मोमेंट है ट्रैक है, दैट आल्सो बिलोंग्स टू द एंटरटेनमेंट कैटेगरी. सोच के देखा तो बड़ी फिकर है, जो उठ के लड़ा तो बना नहीं डर, जब हारा मैं था कोई नहीं साथ, खैर वो भी एक मोमेंट था, ये भी एक मोमेंट है. एंड बादशाह का हर वो गाना जो उन्होंने बॉलीवुड के लिए निकाला है बिलोंग्स टू एंटरटेनमेंट कैटेगरी. एंड एंटरटेनमेंट ब्रांड ऑफ म्यूजिक जो होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी स्प्रेड करता है, बहुत ज्यादा जल्दी पॉपुलराइज हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई यू विल सी एमीवे ग्रू सो क्विकली इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स. बादशाह के लास्ट तीन चार साल में जितने भी गाने आए हैं वो सारी चार्ट बस्टर्स रहे हैं. एंड ऑल्सो अगर आपने मेरी टॉप 8 प्रेडिक्शंस अबाउट 2020 का हिप हॉप सीन वाली वीडियो देखी है, देन आपने उसमें नोटिस किया होगा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि किंग विल बी द आर्टिस्ट हु विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इन दिस ईयर. दैट इज एग्जैक्टली फॉर द सेम रीजन. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, जिसमें एंटरटेनमेंट और आर्ट दोनों की ही महत्वता और दोनों को ही यूज किया जाता है. बाली नाम के एक रैपर है. स्टार्टिंग स्कूल में था तो एवरीबॉडी यूज्ड टू कॉल मी बाली. सचिन तो मुझे नाम पसंद भी नहीं है, मैं मेंशन भी नहीं करता अगर. ओके, सचिन नाम के एक रैपर है जिनका एक गाना है कॉल्ड सुनना. सुनना सुनना, अरे भाई सुनना सुनना सुनना, अरे भाई सुनना, अरे भाई. नाउ दिस सॉन्ग फॉल्स इनटू द थर्ड कैटेगरी, जो एंटरटेनमेंट और आर्ट को मिला के बनाया जाता है. ब्रदरवीज वाइन को अगेन फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी. बढ़िया हुक है जो लोगों को समझ आता है, दे कैन ग्रूव टू दैट. ऑल्सो लिरिक्स भी काफी जबरदस्त है.
Vanko, 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 Domino, Domino. 47th Pagal Hai Kya again falls into this category. Raga's Rap Ka Mausam falls into this category. And one of the best underground hip-hop tracks ever made in India, MC Stan's Astaghfirullah, also falls into this category. And there's no denying ki ek hip-hop scene ke grow hone ke liye tino hi type ka music bahut zyada important hota hai, but for obvious reasons music that belongs to entertainment section appeals to a wider audience, jisko hum mass audience bhi kehte hain, and usme koi burai nahi hai. Burai tab aati hai jab aapko agar entertainment pasand hai to aap art wale songs ki burai kar rahe ho, and agar aapko art pasand hai to aap entertainment category wale songs ki burai kar rahe ho, because sare hi categories ka apna ek alag purpose hota hai jo ki wo serve karte hain. Now ab sawal uthta hai ki jo art category wala music hai इस पे आर्टिस्ट इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं तो ये उतना डिजर्व्ड रिकॉग्निशन क्यों नहीं पा पाता है. द आंसर इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि ऐसे आर्ट को समझने के लिए आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है, एंड ऐसे गाने को लाइक करने के लिए यू हैव टू डेवलप अ टेस्ट फॉर इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली पेंटिंग देखो. This particular painting was sold for $1.5 million. And मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं बोलूँ अरे कितना बेवकूफ होगा वो इंसान जिसने $1.5 million दिए इस पेंटिंग के लिए. बट अगेन ऐसा अगर मैं करूँगा तो दैट विल मेक मी अ कुएं का मेंढक, बिकॉज मेरे को ऐसी पेंटिंग के बारे में कोई नॉलेज है नहीं. एंड ऑफकोर्स अगर एक बंदा $1.5 million पे कर रहा है, ही वुड हैव थॉट समथिंग, ही वुड हैव सीन समथिंग इन दिस पेंटिंग जिसके लिए वो इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोशिश कर रहा है. सो इस आर्ट के लिए मैंने अपना टेस्ट डेवलप नहीं किया, इसमें इस आर्ट की गलती नहीं है. गलती मेरी है कि मेरा कंटेंट मैच्योरिटी का जो लेवल है, एटलीस्ट इन पेंटिंग्स, दैट इज नॉट इवॉल्व्ड. आई होप यू आर विथ मी टिल नाउ. एंड आई थिंक इफ समथिंग डजंट क्लिक यू नो द फर्स्ट टाइम और द सेकंड टाइम, इट्स जस्ट नॉट गुड फॉर मी. It's really that simple. Now, इसको डिस्कस करते हैं. उन्होंने बोला है कि अगर मेरे को पहले या दूसरी बारी में गाना पसंद नहीं आता है, मेरे लिए वो गाना क्लिक नहीं करता है, तो मैं उसको नहीं सुनता हूँ. आर्ट एक सुपरफिशियल लेवल पे नहीं बनाया जाता. इट जनरली हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ, जो आपको हर बार सुनने पे एक नई चीज रिवील करता है अपने बारे में, एक नया एंगल देता है उसी आर्ट को देखने का. फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा की पेंटिंग की बात करते हैं. दैट इज हिस्टोरिक, द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग इन द वर्ल्ड, जिसकी कॉस्ट नियरली 5,000 करोड़ रुपीज है, जिसको प्रिजर्व करने के लिए उसको एक ऐसे रूम में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड है. ऐसा क्यों है? इस मोनालिसा द प्रीटीएस्ट वुमन यू एवर सीन? नहीं, इससे बेटर तो मोमिना मुस्तजैन या कटरीना कैफ की पेंटिंग बना दो, एंड दैट वुड डू वंडर्स इफ दिस वॉज द क्राइटेरिया, बट दैट इज नॉट. एंड द आंसर टू द क्वेश्चन कि मोनालिसा की पेंटिंग को इतनी तवज्जो और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट आंसर इज द आर्टिस्ट. Leonardo da Vinci is great. Matlab, he was one of the biggest reformers during French Renaissance. And iska second part of the answer is the mystery involved in the Mona Lisa painting. Jaise Mona Lisa is not the name of the person who's in the picture. Mona Lisa ka Italian mein matlab hota hai my lady. And this is not the only mystery about this painting. For example, the lady in this painting, unka mood kaisa hai while this painting was being drawn? क्या वो हैप्पी हैं, क्या वो सैड हैं? इस पे बकायदा हॉलैंड के रिसर्चर्स ने प्रॉपरली रिसर्च करके ये बताया है कि इन दिस पेंटिंग द लेडी इज 83% हैप्पी, 6% स्केर्ड, 9% डिस्गस्टेड एंड 2% एंगरी. और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज है जिसके आंसर्स रिसर्च के बाद हमें पता चले. फॉर एग्जाम्पल इस औरत की आईब्राउज क्यों नहीं ड्रॉ किए गए हैं. इनफैक्ट ये तक कहा जाता है कि इस पेंटिंग का जो कॉन्ट्रास्ट है दैट रिड्यूसेस एज यू गो अवे फ्रॉम इट. मतलब अगर आप पेंटिंग को बहुत करीब से देखेंगे तो इसका कॉन्ट्रास्ट आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, एंड जैसे जैसे आप पीछे आते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस पेंटिंग के साथ ज्यादा होती रहेगी, इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम होता रहेगा. तो क्योंकि ऐसी डिटेलिंग है आर्ट में, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई मोनालिसा बिकेम द मोनालिसा. एंड सिमिलर थिंग ट्रांसलेट्स इनटू रैप. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. माय प्रॉब्लम इज दैट इफ यू हैव टू गो वॉच फुल थीसिस, फुल एनालिसिस, फुल ब्रेकडाउन्स ऑफ अ रैप सॉन्ग, Why are you into rap? Why are you listening to rap? अरे मुझे ना सिखाओ मेरा अलग तरीका, मेरी बातें मियां देखो खड़ा बुर्ज खलीफा, मुझे बादशाह भी बोले चाहिए कि मियां तरीफा, मेरी बातें कर रहे हैं आज जैसे हनुमान चालीसा. The question is कि यार breakdown की जरूरत क्या है? तो आर्टिस्ट एक आर्ट बनाता है एंड एवरी वन ऑफ अस परसीव्स इट बेस्ड ऑन आर आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस. ऐसा नहीं है कि हमें कृष्णा और मुफाड के गाने फ्रेंच लगते हैं. इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड रेफरेंसेस एंड इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द हिप हॉप कम्युनिटी, यू विल अंडरस्टैंड एटलीस्ट द फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉन्ग. एग्जाम्पल के तौर पे इस लाइन को देखते हैं. बीफ में तेरी क्या औकात है, आई किल गाय छोड़ी सौलाश है,
Now layer one, जो सबको समझ आएगा जो ये गाना सुन रहा है, is that कि कृष्णा मुफाड़ को बोल रहा है कि तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, and I kill my opponents. Layer two to this line is the word सौलाश, referring to 100 कौरवास जिनको लॉर्ड कृष्णा एंड पांडवों ने युद्ध में हराया था. Layer three is the way Terry is spelled here. Terry also means people's ruler, which means महाराज in Hindi, जो कि मुफाड़ का एक alter ego का नाम भी है. Layer four in this line is beef in Hindi is called गाय, and the line is beef में तेरी क्या औकात है, I kill guys, गाय, हिंदी वाला गाय. So the aim of the breakdown is कि जो artist अपने art को बना रहा है उसके thought process के बहुत ज़्यादा करीब पहुँचा जाए. We can never reach exactly 100% accuracy while interpreting art, but we can try to be as close as possible. Mathematics के through एक आपको example बता देता हूँ इस चीज़ का. Breakdown is like this equation 1 by x. In this equation, consider x to be the accuracy of breakdown. हम x की value कितनी भी ज़्यादा बढ़ा ले, we can reach very close to 0, but we can never reach exactly 0 until or unless we defy what is infinity. And logo ka rap breakdown dekhna isliye important hai taki they understand that rap is not just rhyming two sentence, it's more complicated than that. They have to understand ki rap mein jo p aata hai, that stands for poetry, and breakdown tries to explain that. But by rap music was supposed to save you time, it was supposed to be fast, quick, and you know, to the point. Doesn't matter, you don't have to go thinking. जो लाइन समझ में आया वो आपको हंसा दे या रुला दे. ओके ओके हो जा शांत जरा, देख रैप कर रजनी कांत खड़ा, मेरे आगे पीछे देख सारे फिक्के, मेरे ताज दी गड्डी खुले सारे इक्के. नोप, रैप का पूरा मीनिंग होता है रिदम एंड पोएट्री, एंड पोएट्री ऐसी चीज है ही नहीं जो सबको एक बारी में समझ आ जाए. जिस जिसने स्कूल में इंग्लिश की पोएम्स पढ़ी है, ही और शी अंडरस्टैंड्स कि अगर एक पोएम में ब्लू कर्टन्स के बारे में बात कर रखी होगी तो हमारे टीचर्स बोलती थी कि अरे अरे ब्लू कर्टन्स सिग्निफाइज कि पोएट का जो मूड था वाइल राइटिंग दिस पोएम वॉज वेरी सैड एंड ही वॉन्टेड टू एक्सप्रेस मेलनकोली थ्रू दिस पोएम. तो पोएम का सिंपलिस्टिक होना वॉज नेवर द केस, एंड जब पोएम ही सिंपलिस्टिक नहीं है तो रैप कैसे सिंपलिस्टिक हो सकता है. Now talking about rap was meant to save times. No, it was never meant to save time. Rap initially parties से evolve हुआ था, जहाँ पे DJs parties में hip hop music बजाते थे, उनके साथ में MCs होते थे जो DJs की तारीफ करते थे and crowd को engaged रखते थे. And then early 80s से जब hardcore record sales होने लग गए and people like Big Daddy Kane and Rakim entered the scene, then slowly hip hop became the voice for the African Americans जिनको racism face करना पड़ता था वहाँ पे. अच्छा, now that we have answered all the three questions, I would request you to not show hate to Farukh, because usi video ke end mein us bande ne ye wali baat bhi boli hai. Again, not to say ki mujhe bahut pata hai, I'm not a rap expert, mujhe rap ke bare mein kuch bhi nahi pata, main to sirf sunta hu. Mere kaan mujhe bolte hai ki bada maze ka hai to main bata deta hu maze ka hai, wo bolte hai ki nahi hai maze ka to main batata hu nahi maze. And ye sare question jo maine abhi yahan pe answer kiye hai wo mereko inbox mein aate the. I used Farukh's video to build a proper structure for this video, that's all. What the witcher? मेरी उल्टी सीधी बातें, मेरी रूबी मुझे डांटे, अभी ना मतलब बोलो चंगी चंगी पांडे. Now अब बात करते हैं बिग अनाउंसमेंट की, एंड यस, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर गिव अवे ऑन दिस चैनल. सो आई नो यू गाइस टैग मी इन अ लॉट ऑफ योर रैप वीडियोस एंड आस्क मी टू गिव अ फीडबैक टू यू गाइस. सैडली सबको रिस्पॉन्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज यूट्यूब के साथ साथ बहुत सारे दूसरे काम भी मेरे चलते रहते हैं. बट नाउ आई हैव अ कॉन्टेस्ट फॉर एवरी वन ऑफ यू. दिस कॉन्टेस्ट इज कॉल्ड the 1 minute rap challenge. To take part in this contest, make a 1 minute video of yourself rapping. Yes, lyrics आपके खुद के original होने चाहिए, no copied lyrics please. Then post it on Instagram using the hashtag #artistnahiart and #1minuterapchallenge. Then tag my Instagram handle @rohankaryappa and tag the chasmish. My next video would be a countdown on the best entries that we find. Kuch best entries ko countdown mein feature kiya jayega. Obviously unke Instagram handle ko bhi shout out diya jayega. And also the winner of this countdown, jiski video number 1 position pe rahegi, will win a special gift hamper by the Chasmish. तो यहाँ पे जीतने को बहुत कुछ है. Also don't forget, last day to upload your entries is Wednesday रात 12 बजे. उसके बाद uploaded videos and entries would not be considered. तो stop procrastinating and get to work right now. That's all for today. If you like my content, then make sure you subscribe to my channel for more such content. Also don't forget to check out my merch. You can support my channel by buying them. Link in description. Don't forget to like or dislike this video. You can also follow me on Instagram for more video content and be
beatbox tutorials and etc. My handle is @rohancariappa. Until next time, this is me, Rohan Karyappa. Signing off. संजीव कपूर में मेरी बातों के खजाने हैं, वो पिक्चर देखी क्या? फूल और कांटे, मैं सिंगम में देवगन, आता माजी सटक ले, गानों में पटकते, कानों में मटकते, पंचलाइन आने वाली फिर से वो प्यारी जी, सारे बोलो सारे बोलो जय 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 बाली जी। मेरी बोलियां ते सोजे विचीता, बोलियां ते सोजे विचीता, मेरी बोलियां ते सोजे विचीता, बोलियां ते सोजे विचीता।